हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिले। तो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं अभी कहाँ, चलिए बताती हूँ। तो हम लोग आए हैं अभी मार्केट, तो मतलब ऐसा हो गया कि बहुत टाइम के बाद हम लोग आए हुए हैं मार्केट। आज है मेरा वीक ऑफ और मोस्टली व्लॉग में वीक ऑफ के दिन ही बनाती हूँ। तो हम लोग अभी आए हैं मतलब मार्केट, जो 2 साल के बाद मतलब कोविड के बाद हम लोग आ रहे हैं अभी यहाँ पे। अदरवाइज मम्मी मतलब घर के सामने से ही ले लेती थी, इसीलिए तो आज दीदी ने बोला चलो मार्केट जाके आते हैं। इसलिए तो यहाँ पे हमारा आ रहा है कुछ सामान, वो मैं इसलिए बता दूँ कि हम लोग ना आफ्टरनून से मम्मी और मैं कुछ काम से बाहर निकले थे। कुछ काम से मतलब हम लोग गए थे सोनार के यहाँ। सोनार के यहाँ से फिर मम्मी का कान का था थोड़ा, वो टूट चुका था तो उसे सुधारने गए थे। और उसके बाद से यहाँ पे मार्केट खुला है एक घर के पास में ही, एस्मार्ट करके। तो हम लोग वहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे, लेकिन काफ़ी सारा शॉपिंग करके आ गए। और वहाँ का अच्छा लगा मुझे, मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा मुझे। और सेकंड ये था कि मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे जो लेना था वहीं पे एक शॉप थी, तो वह हम लोग जस्ट देखने गए थे ऐसे ही कि क्या रेंज क्या रेट है वहाँ का। तो हम लोग देखने गए तो हमें पसंद आ गया तो हमने बुक कर लिए थे, और वो ऑर्डर देख के आ भी गया है वो। तो हम लोग जस्ट मार्केट से जैसे घर पहुँचे थे तो साथ ही साथ ये गाड़ी भी हमारे पीछे पीछे आ रही थी, बट हमको पता ही नहीं चला कि हमारे घर की तरफ ही आ रही है करके। तो जस्ट उसमें हमारा सामान था तो वो भी आया है। और हम लोग अभी ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं इसलिए तो सामान सारा ऊपर चढ़ा रहे थे लोग, और चढ़ाने के बाद मतलब एक एक करके पूरा सामान चढ़ा रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं मतलब बोलते हैं ना कि मुझे जो चाहिए था मैंने वो ले लिया है। तो हाँ, मुझे चाहिए था क्या बोलते दीवान सेट, और अलमीरा चाहिए था, जो मुझे 3 डोर की अलमीरा ही चाहिए था। तो हम लोग जब देखने गए थे तो वहाँ मुझे पसंद आ गया था, और फाइनली ये मतलब फिट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और जो मुझे शेड चाहिए था, जो कलर चाहिए था मेरी थीम के अकॉर्डिंग, तो वही मुझे शेड भी मिल गया था। तो उन्होंने बोला कि हम 1 घंटे में आपको घर पर डिलीवर्ड करवा देते करके, तो वो 1 घंटे में तो नहीं हो पाया था, तो वो थोड़ा लेट हो गया था तो वो लेकर आ गए थे। तो मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब जो मुझे चाहिए था सच में मैंने वो लेकर आ गई, मैंने वो ख़रीद लिया। तो अभी मैं जस्ट कर रही हूँ उसकी पूजा, और इसके साथ में यही थी बहुत सारी खुशियाँ। तो मतलब काफ़ी टाइम के बाद हम लोग ने शॉपिंग की है, तो बस यही आया था। और फिर मैं उसकी कर रही हूँ पूजा, तो देखिए अभी एक के बाद एक। और मैं बहुत खुश थी सच में, क्योंकि मेरे को मेरा रूम भी मतलब डेकोरेट करना है। काफ़ी टाइम हो गया हम लोग ऊपर शिफ्ट हुए थे, और मतलब मेरा रूम सेट होने का था। दीदी का रूम तो सेट हो गया है, बट मुझे चाहिए था मेरा सामान वो आने का था, इसलिए मैं वेटिंग पे थी। मैंने सोचा कि जब मेरा सामान आ जाएगा तो ही मैं सेट करूँगी करके। तो देखिए यहाँ पे मेरा सामान आ चुका है, वो अरेंज भी हो गया है, और अभी मैं इसकी कर रही थी पूजा। तो हम लोग साथ में ही लेकर आ गए थे प्रसाद, और कर रहे थे हम उसकी पूजा। तो बस यही सब कुछ चल रहा था। और मतलब बोलते हैं ना कि जब खुशी आती है तो उसमें थोड़ी सी नज़र भी लग जाती है, तो बस यही कुछ मेरे साथ भी ऐसा हो गया। यहाँ हुआ था मेरे साथ थोड़ा धोखा, धोखे के साथ में मुझे इतना पेन स्टार्ट हो गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सेम ब्लॉग है नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पे चतुर्थी थी, चतुर्थी में मम्मी ने कुछ फ्रूट्स लिए हुए थे, तो जस्ट मैं उसको धो रही थी। तो बस मतलब धो रही थी ना, तो पेन मेरे पैर का ना और बढ़ते जा रहा था, मतलब नी का पेन मेरा बढ़ते जा रहा था। तो फिर मैंने कॉल किया था कि मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊँगी करके, मुझे लगा एक दिन रेस्ट करूँगी तो थोड़ा आराम आ जाएगा। बस मैं रेस्ट करने के लिए छुट्टी ली थी, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया था, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पैर का पेन बढ़ते ही जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स वगैरह सब धोए और फिर थोड़ा रेस्ट करी। रेस्ट करने के बाद में मुझे कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था पेन, तो नानी ने मेरे पैर की मालिश करके दी थी। मालिश करने के बाद मैं लगा रही थी अपने पैर में बाम, और फिर मम्मी बोली कि बांध लो पट्टी करके, थोड़ा तो आराम होगा। तो फिर यह मैंने बांधी थी पैर की पट्टी, जो मोच की पट्टी होती है वो मैंने बांधी। और बांधने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। रेस्ट करने के साथ ही आज चतुर्थी, तो मुझे पूजा भी करना था, बट मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो मैंने मम्मी से बोला था कि आप कर दो मेरे बदले का, क्योंकि मैं हर मंथ पूजा बिठाती हूँ। तो फिर मम्मी ने पूजा की थी, तो मैं जस्ट हाथ जोड़ने चली गई थी, और फिर मेरे को चलते भी नहीं बन रहा था और बैठ तो सकती नहीं थी मैं बिल्कुल भी, तो मम्मी ने करी थी पूजा। फिर मम्मी बोली कि पेन किलर है वो खा लो करके, तो फिर नाश्ता किया मैंने, तो मम्मी ने बनाया था साबूदाना चिप्स दही है एंड फ्रूट्स दी थी। वो खाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर ली थी। तो ये था नेक्स्ट थर्सडे
सेम व्लॉग विथ नया थर्ड डे का था ये। तो यहाँ पे मैं जा रही थी हॉस्पिटल क्योंकि मेरा पैर का पेन और भी बढ़ चुका था, तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ के जनरल हॉस्पिटल गई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको ब्लड टेस्ट करना होगा करके, और पेन किलर दिया था नी के लिए जो आराम आ जाएगा करके। तो फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह किया और बोला नेक्स्ट डे रिपोर्ट आ जाएगी उसकी करके। तो फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों पेन हो रहा है, कैसे पेन हो रहा है करके। तो हॉस्पिटल से घर जाने के बाद मैं यहाँ पे आई थी और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही थी कि उन्होंने ब्लड टेस्ट किया था तो बहुत सारा खून निकाला था मेरा, और जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि मतलब 12 से 14 हीमोग्लोबिन होना चाहिए, बट मेरा था 10, तो बहुत ही कम था। और फिर मैं ये दिखा रही थी आपको कि यहाँ नी पे देखो मेरी कैसे स्वेलिंग से चढ़ गई है, और ये बढ़ती जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बस फिर मैं बहुत सीरियस हो गई थी और फिर नेक्स्ट डे मुझे फाइनली हड्डियों के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। तो इसका व्लॉग अभी आपने देख ही लिया होगा, इसके पहले मैंने तो बस यही था मेरा ये व्लॉग, मैं आप लोग को बता रही हूँ जस्ट कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो बस बने रहिए मेरी वीडियो।